सभी लोग वर्ल्ड किडनी डे 2021 के सेलिब्रेशन के लिए यहाँ असेंबल हुए हैं। मैं किंग्सवे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी के सभी मेंबर्स को पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। डॉक्टर प्रकाश खेतान, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी किंग्सवे हॉस्पिटल। डॉक्टर वासुदेव रिधोरकर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी किंग्सवे हॉस्पिटल। एंड डॉक्टर प्रज्वल महात्मे, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी किंग्सवे हॉस्पिटल। वर्ल्ड किडनी डे 2021 ये आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। वर्ल्ड किडनी डे ये उपक्रम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी इनके द्वारा चलाया गया है सन 2016 से। हर साल एक थीम पे वर्ल्ड किडनी डे के सेलिब्रेशन होते हैं, जो पूरे साल उसके ऊपर एक्टिविटीज होते हैं इन कोलैबोरेशन ऑफ वेरियस नेशनल सोसाइटीज। इस साल की थीम है लिविंग वेल विथ किडनी डिसीज। किडनी डिसीज जो इतना बड़ा बर्डन है पेशेंट्स के ऊपर में, इसको प्रिवेंट कैसे करें, और अगर प्रिवेंट ना कर पाए और हमें किडनी डिसीज हुआ है तो उसके साथ एक क्वालिटी लाइफ कैसे जी पाए, इसके ऊपर में इस साल पूरे एक्टिविटीज चलेंगे। इसके ऊपर में एजुकेशनल एक्टिविटीज, पेशेंट एम्पावरमेंट, ये सब कार्यरत किया जाएगा। इसके बारे में फर्दर डिटेल्स डॉक्टर खेतान डिस्कस करेंगे। आज विश्व किडनी दिवस है। विश्व किडनी दिवस हर दूसरे गुरुवार, मार्च के महीने में हर दूसरे गुरुवार को ऑल ओवर वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी इसका उपक्रम है। हर साल एक थीम दी जाती है और इस साल की थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिसीज। तो हमने किंग्सवे हॉस्पिटल में हमने इस उपक्रम के लिए जो पेशेंट्स के डायलिसिस चल रहे हैं उन्हें एक फ्री डायलिसिस प्रोवाइड करने का ये किया है, निर्णय लिया है, और साथ ही साथ उनको जो नेफ्रोलॉजी कंसल्टेशन है वो भी हमने फ्री किया है। तो 31 मार्च तक के ये योजना का प्रतिसाद सभी पेशेंट जिनके डायलिसिस चल रहे हैं वो इस अस्पताल में दे। जरूरी है कि समय समय पर किडनी की जांच होनी चाहिए और किडनी की जांच के लिए खून और पेशाब की जांच करना आवश्यक है। किडनी की परिस्थिति क्या है ये जानने के लिए समय समय पर पेशाब और खून का परीक्षण आवश्यक है, और अगर पेशेंट उसके लिए नहीं आता है क्योंकि उसे चिन्ह नहीं आएंगे, चिन्ह आएंगे तो उसमें काफी देरी हो जाएगी, इसलिए समय समय पर जब भी उन्हें अस्पताल में जांच के लिए बुलाया जाता है तो ये जरूरी है कि वह जांच के लिए आए, अपने खून और पेशाब की जांच कराए और उनके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट इनसे मिलकर वो समझे और वो फॉलो करें, जिससे उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं आए, वो अपना काम व्यवस्थित रूप से कर सकें और ज्यादा से ज्यादा समय तक स्वस्थ रह सकें। किडनी की बीमारियां ट्रीटमेंट में काफी लंबी होती है, काफी महंगी भी होती है, इसलिए किडनी की बीमारियों से बचना ये हमारे सबके लिए फायदेमंद चीज रहेगी। अगर हमें किडनी को स्वस्थ रखना है तो जो भी चीजें हम नॉर्मल हेल्थ मेंटेन के लिए करते हैं, जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, भरपूर पानी पीना और बीपी और शुगर का कंट्रोल ठीक तरह से रखना, ये सारी चीजों के पर हम अगर ध्यान दें तो किडनी को काफी रोगों से बचाया जा सकता है। जो किडनी के लिए हानिकारक दवाइयां हैं, जैसे ओवर द काउंटर जो हमें पेन किलर्स मिलते हैं और कई बार हम लोग ले लेते हैं कि भाई दर्द की कोई दवा ले ली, तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां लेना, खुद को सेल्फ मेडिकेट करना, इन चीजों से हमें बचना चाहिए। ये सही फरमाया आपने कि इस तरह से सोच होती है कि कुछ दवाइयां खाने से या बियर पीने से स्टोन निकल जाता है या गल जाता है, तो ये समझ ले कि स्टोन्स गलते नहीं है, घुलते नहीं है, छोटे नहीं होते। अगर हमारी पेशाब की नलियों से स्टोन्स की साइज छोटी हो और हम पर्याप्त मात्रा में पानी पिए तो छोटे स्टोन्स छोटी हालत में ही निकल जा सकते हैं। तो बाकी दवाइयां
या डिजॉल्व करने वाले औषध इन चीजों के पीछे पैसा और समय जाया न करते हुए सही समय पे क्वालिफाइड डॉक्टर से और उसके स्पेशलिस्ट से अगर कंसल्ट करे तो